हेलो फ्रेंड्स, आई एम कांचन। नोमित किचन में आपका स्वागत है। आज हम करेंगे चटपटी पानीपुरी का पानी। पानीपुरी का जो मसाला है ना, वो भी हम घर पे ही बनाने वाले हैं। यहाँ पे हम इमली की चटनी बनाएंगे, ग्रीन पानी, उसके साथ चटपटे बॉयल आलू और चटपटे काले चने। पूरी बाहर से लाई है, लेकिन अगर घर पे पूरी कैसी बनानी है पानीपुरी की, तो इसका वीडियो आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगा, पूरा लास्ट तक देखिए। चलो तो फिर रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। बड़ी शॉप ली, उसके साथ लिया है जीरा, धने, थोड़ा सा ब्लैक नमक, हींग और ब्लैक पेपर। इसे मैं मिक्सर में ग्राइंड करने वाली हूँ, भुनना नहीं है, कच्चा है, आपको मिक्सर में ग्राइंड करना है। और जो मसाला है ना हमारा, आप स्टोर भी कर सकते हो, ये 2 से 3 महीने के लिए ख़राब नहीं होगा। सबसे हम ग्रीन पानी बनाएंगे, तो धनिया लिया है, उस अच्छे से वॉश किया है। इसमें डालने वाली हूँ पुदीना, जिसे मैं सुखा के रखती हूँ, यानी कि जब सीजन में आपको पुदीना नहीं भी मिला ना, आप इसे यूज़ कर सकते हो और टेस्ट में कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता। इसे डाल रही हूँ। इसमें डालने वाली हूँ अदरक का एक छोटा पीस और 2 ग्रीन चिली से मैं तोड़ के डालने वाली हूँ और मिक्सर में इसे ग्राइंड करूँगी। ग्रीन पानी तो रेडी हो चुका है, अब इसमें डालने वाली हूँ पानी पूरी का मसाला जो हमने अभी ग्राइंड किया था। मिक्स कर लेंगे स्वाद अनुसार नमक। इसमें डालने वाली हूँ थोड़ा सा पानी। पानीपुरी का पानी इसलिए थोड़ा सा मैं पतला बना रही हूँ, आपके हिसाब से आप गाढ़ा या पतला कर सकते हो। नींबू का रस आधा, तो आप चाहे तो यहाँ पे चाट मसाला यूज़ कर सकते हो, लेकिन मैं थोड़ा सा जलजीरा पाउडर यूज़ कर रही हूँ, इससे भी टेस्ट पे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। तो यहाँ पे हमारी ग्रीन पानी भी रेडी हो चुका है, इसे मैं ठंडा होने के लिए फ्रिज में रखने वाली हूँ। इमली का पानी बनाने के लिए गुड़ को पानी में भिगो के रख दिया था, इमली को भी पानी में भिगो के रख दिया था और इमली का सब पल्प निकाल लिया है। और गुड़ के पानी को मैं थोड़ा सा छानने वाली हूँ, इमली के पानी को भी छान के लेना है, क्योंकि इसमें छोटे से धागे होते हैं ना, वो मुँह में आते हैं। अब इसमें डालने वाली हूँ इमली के पानी में गुड़ का पानी, मिक्स कर लेंगे। थोड़ा सा नमक 1 चुटकी, और पानीपुरी का मसाला मिक्स कर लेंगे। यहाँ पे हमारा इमली का पानी भी रेडी हो चुका है, इसे मैं थोड़ा सा ठंडा होने के लिए फ्रिज में रखने वाली हूँ। चटपटे आलू बनाने के लिए आलू लिए थे, उसे बॉईल कर लिया था, स्मैश कर लिया है। उसमें डालने वाली हूँ चाट मसाला, थोड़ा सा नमक, पानीपुरी का मसाला, लाल मिर्ची पाउडर, धना जीरा पाउडर और मिक्स कर लेंगे। यहाँ पे हमारे चटपटे आलू की सब्जी भी रेडी है। काले चनों को रात भर पानी में भिगो के रख दिया था, सुबह उसका पानी चेंज किया था और कुकर में 3 व्हिसल होने तक कुक कर लिया है। उसका पानी वापस से आपको निकालना है, चने हमें ड्राई चाहिए। उसमें डालने वाली हूँ पानीपुरी का मसाला, लाल मिर्ची पाउडर, चाट मसाला, थोड़ी सी हल्दी और नमक। यहाँ पे मैं काले चने यूज़ कर रही हूँ, आप चाहे तो हरे मूंग भी यूज़ कर सकते हो। मिक्स कर लेंगे। चटपटे काले चने भी रेडी हो चुके हैं।
चलो फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारे होम मेड चटपटे से पानी पूरी खाने के लिए रेडी हो चुके हैं। आप रेसिपी घर पे जरूर ट्राई कीजिए। वीडियो किसी भी कारण से अच्छा लगा तो लाइक और शेयर जरूर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू फॉर वॉचिंग नो मिस किचन।